हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट प्रिंसेस एजेंट एपिसोड 3। जिंग जब वापस भागकर पैलेस आती है तो वो देखती है कि युवेन ने उसके भाई को मार दिया है और जला दिया है। वो भागकर लिंक्सी को बचाने के लिए जाती है तो युवेन उसे कहता है कि जो कुछ इसने किया था इसके लिए मारना काफ़ी नहीं था, इसलिए इसे जलाना पड़ा। तो जिंग उसे कहती है कि मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया था, वो एक गद्दार नहीं था, तुमने गलत इंसान को मारा है। वो एक साल से यहाँ काम कर रहा था, अगर उसे किसी को हर्ट करना होता तो वो इतना इंतजार नहीं करता। फिर जिंग के पास से यहाँ से बाहर निकलने वाली आईडी मिलती है तो जिंग कहती है कि ये मेरे भाई ने मुझे दी थी ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ, शायद यही उसकी मौत की वजह बन गई। तो फिर सिपाही उससे कहता है कि तुम जानती हो युवेन की परमिशन के बिना यहाँ से भागने की सजा मौत है। तो इस पर जिंग कहती है कि ऐसी ज़िंदगी से तो मरना बेहतर है। तभी जिंग के हाथ पर एक कीड़ा आता है और उस कीड़े को मारने के लिए युवेन अपनी तलवार चला देता है, जिससे कि जिंग के हाथ पर एक बड़ा घाव लग जाता है और युवेन जिंग के खून से सनी हुई अपनी तलवार को कॉटन से साफ कर लेता है। जिंग जियांग को जिंग सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी हुई मिलती है और उसके हाथ पर बहुत बड़ा घाव लगा होता है। तो जियांग उससे पूछती है कि तुम वापस क्यों आई? तो जिंग उसे बताती है कि हमारा भाई लिंक्सी मारा गया है। तो ये सुन के ज़ियोबा को बहुत सदमा लगता है और वो इस सब का ब्लेम जिंग के सर पर डालती है। वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जब से तुम आई हो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तुम बिल्कुल एक काली बिल्ली की तरह मनहूस हो। जियांग को गुस्सा आता है और वो ज़ियोबा को एक थप्पड़ लगा देती है और उससे कहती है कि किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ये सब हमारी किस्मत का खेल है। हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है। और दोनों बहनें गले लग के रोने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर ह्यू बटलर ज़ियो शू से पूछता है कि क्या युवेन ज़ियो मर चुका है। तो बटलर उसे बताता है कि हाँ मर चुका है, लेकिन मैंने बॉडी को नहीं देखा है। तो ह्यू कहता है कि जब तक मैं बॉडी को नहीं देख लूँगा मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा। और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ युवेन ज़ियो की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो रहा था और वो युवेन से कहता है कि तुम आखिरी बार मुझे चेहरा दिखाए बिना इनका अंतिम संस्कार कैसे कर सकते हो? तो युवेन उसे चेहरा दिखाने से मना कर देता है। तो ह्यू कहता है कि मुझे शक है कि हमारे ग्रैंड फादर की नेचुरल डेथ नहीं हुई है बल्कि उन्हें मारा गया है, इसलिए मुझे चेक करने दो। और वो जाके कॉफिन को खोलने लगता है, लेकिन ह्यू वहाँ पहुँच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों में इसी बात को लेकर फाइट होने लगती है। ह्यू कहता है कि मुझे लगता है तुमने ही अपने दादाजी को मारा है, वैसे भी तुम एक अडॉप्टेड ग्रैंडसन हो सकता है आइज ऑफ गॉड को पाने के लिए तुमने उनका खून कर दिया हो और इसीलिए तुम मुझे उन्हें देखने नहीं देना चाहते। और क्योंकि मैं उनके तीसरे भाई का पोता हूँ इसलिए मुझे पूरा हक है ये जानने का कि उनके साथ क्या हुआ। और ह्यू अपनी तलवार निकाल लेता है और युवेन से कहता है कि अब तक मैं अपने दादाजी की वजह से चुप था, अब क्योंकि मेरे दादाजी मर चुके हैं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम सिर्फ दूसरे भाई के द्वारा छोड़े गए एक पोते हो, जाओ अपने खानदान में वापस जाओ और पता करो कि तुम्हारी माता ने ऐसा क्या किया था कि तुम्हें छोड़ दिया गया। इस तरह वो युवेन को गुस्सा दिलाता है और युवेन भी उससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ प्रिंसेस वेई आती हैं और उन दोनों को लड़ते हुए देख उनसे कहती हैं कि यहाँ क्यों परेशानी खड़ी कर रहे हो? तो ह्यू उन्हें बताता है कि युवेन मुझे दादाजी को आखिरी बार देखने नहीं दे रहा है, वो कॉफिन को सील करने के लिए ज़िद कर रहा है। तो युवेन कहता है कि मेरे दादाजी की मौत एक वेस्टर्न रेयर ड्रग की वजह से हुई है, मैं नहीं चाहता कि कॉफिन को खोलने से वो ड्रग सब जगह फैल जाए और बाकियों को भी इन्फेक्ट करे। जिस पर प्रिंसेस पूछती है कि क्या तुमने पता लगाया है कि उनको जहर किसने दिया है? तो युवेन कहता है कि अभी तक तो नहीं लग पाया है। फिर प्रिंसेस कहती है कि युवेन ज़ियो बहुत ही रेस्पेक्टफुल पर्सन थे, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है, इससे पहले कि तुम दोनों फिर से उनके लिए फ़ाइट करने लगो मैं खुद बॉडी को चेक करूँगी। फिर वो बॉडी को चेक करके बताती हैं कि उन्हें सच में जहर दिया गया है और ह्यू से कहती है कि आज के बाद तुम किंगशियान यार्ड में कभी कदम नहीं रखोगे। जिस पर ह्यू कहता है कि ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। तो प्रिंसेस कहती है कि बेकार की बहस बंद करो और यहाँ से चले जाओ। फिर प्रिंसेस युवेन से कहती हैं कि अब से तुम्हारी कंडीशन और भी ख़राब होने लगेगी, तुम जानते हो कि दादाजी चाहते थे कि तुम प्रिंसेस शुनैर से शादी कर लो, और आइज़ ऑफ गॉड का ध्यान रखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी प्रिंसेस शुनैर से शादी करने में सहायता कर सकती हूँ। तो जिस पर युवेन कहता है कि मैं एक कॉमन मैन हूँ और शुनैर एक प्रिंसेस हैं, हम दोनों का कोई मैच नहीं है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि युवेन झाओ ने आइज़ ऑफ गॉड की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ऐसे ही किसी को नहीं सौंप देंगे, तुम बहुत खास हो। वहीं दूसरी ओर ह्यू अपने दादाजी को बताता है कि युवेन ज़ियो मारा जा चुका है और मैंने खुद इस बात को देखा है, लेकिन प्रिंसेस वेई ने मुझे किंगशैन कोर्टयार्ड जाने से मना कर दिया है।
फिर ह्यू कहता है कि अब हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है और वो है यूएन यू, उसके साथ क्या करना है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद कुछ कर सकते हो या नहीं, तुम सिर्फ छोटे मोटे अफेयर ही सॉल्व कर सकते हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये सुन के ह्यू को गुस्सा आने लगता है और उसकी मुट्ठियाँ बिछ जाती हैं। वहीं विवियांग जिंग को खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन जिंग नहीं खाती। तो विवियांग उससे पूछती है कि क्या तुम खुद को लिंगसी की मौत का जिम्मेदार मानती हो। तो जिंग कहती है कि लिंगसी ने जो कुछ भी किया मुझे बचाने के लिए किया, मैं उसकी मौत को खाली नहीं जाने दूंगी, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। और वो खाना खा लेती है। फिर सभी मेड गार्डन में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ से कुछ लोग एक डेड बॉडी को लेकर निकलते हैं जिसके कपड़े पर के खून लगा होता है, जिसे देख के सभी मेड आपस में बात करने लगती है कि ये तो जिनलैंड है, इसे कल जायल पवेलियन भेजा गया था और देखो आज इसकी मौत हो चुकी है। फिर मिस सॉन्ग आती हैं और मेड्स में से चूज करती हैं कि आज किस किस को जायल पवेलियन भेजा जाएगा। वो दो मेड को चूज करती हैं और वो दोनों मेड उनके पैरों में गिर जाती हैं और उसे भीख मांगने लगती हैं कि हमें जायल पवेलियन मत भेजो। और फिर वो जिजियांग के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी बहन जिंग को भी तैयार करो, उसे भी जायल पवेलियन जाना होगा। तो जिजियांग उनके कदमों पे गिर जाती है और भीख मांगने लगती है कि प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो, उसे जायल पवेलियन मत भेजो, उसके बदले में आप जो कहोगी मैं वो करूँगी। अगले सीन में उनकी एक और बहन जियाओ की उनसे मिलने आती है, जिसे देख के दोनों बहुत खुश होती हैं और तीनों आपस में गले मिलती हैं। फिर जियाओबा जियाओ की को बताती है कि लिंगसी मारा जा चुका है और हमारी बहन जिंग का भी बुरा हाल किया गया है। फिर जिजियांग जियाओबा को कुछ देती है और कहती है कि इसे जिंग के लिए संभाल के रखना। तभी जिंग को होश आता है और तीनों बहनें उसके पास आ जाती हैं। फिर जिजियांग जिंग से कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना होगा, तब तक जियाओ की और जियाओबा की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ और जब तक मैं ना आऊँ तुम दोनों जिंग की बात सुनना। और इसके बाद तीनों बहनें एक दूसरे से गले लग के रोने लगती हैं। वहीं जिजियांग को बाकी गर्ल्स के साथ जायल पवेलियन भेज दिया जाता है, उसने जिंग की जगह खुद को जायल पवेलियन भेजना स्वीकार कर लिया था। जायल पवेलियन में एंटर करते ही सभी गर्ल्स को सुंदर सुंदर ड्रेसेस दी जाती हैं और मेकअप दिया जाता है, जिससे सभी बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें पहनने लगती हैं। लेकिन जिजियांग वहां बहुत डरी हुई खड़ी रहती है। जियाओबा आके जिंग को बताती है कि हमारी बड़ी बहन को जायल पवेलियन भेज दिया गया है, जिसे सुन के जिंग को बहुत शौक लगता है। जायल पवेलियन वही जगह है जहाँ ह्यू के दादाजी रहते हैं, यानी कि थर्ड नंबर के जाई ब्रदर। उन्हें देख के जिजियांग डर जाती है। वो जिजियांग के पास आते हैं लेकिन उसे छोड़ के आगे निकल जाते हैं और फिर सभी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो लड़कियों का रेप करते हैं और उन्हें गला दबा के मार देते हैं, ये शायद उनका पैशन था। लड़कियों की चीखें जिजियांग के कानों में पड़ने लगती हैं और वो घबरा जाती है। इसके बाद वो जिजियांग को पानी में फेंक देते हैं और फिर जिजियांग के पास आते हैं। वो जिजियांग का रेप करते हैं और फिर उसे भी मार देते हैं। वहीं तीनों बहनें जायल पवेलियन के बाहर अपनी बहन जिजियांग का वेट कर रही होती हैं कि तभी उन्हें जिजियांग की लाश दिखाई देती है। तीनों बहनें उसे देख के बेतहाशा रोने लगती हैं। फिर वो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करती हैं, जहाँ पर जिंग कसम लेती है कि मैं आपकी जान को खाली नहीं जाने दूंगी, मैं जियाओ की और जियाओबा का पूरा ध्यान रखूंगी, अब हम ये सब और ज़्यादा नहीं सहेंगे। वहीं ह्यू बारिश में भीग रहा होता है और बटलर ज्यू से कहता है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, क्यों मेरे दादाजी ऐसे हैं जो सिर्फ ड्रिंक करते हैं और लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती और उनकी वजह से मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव होता है। उधर तीनों बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि उनको मिस सॉन्ग छिपकर देख लेती है और उनका पीछा करना शुरू कर देती है और वो उन तीनों बहनों को अंतिम संस्कार की तैयारी करते हुए देख लेती है, जिसमें कि जिंग कह रही होती है कि आपने हमें सिखाया था कि हमें सहना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी कि बर्दाश्त करने से अच्छा तो मर जाना है। तभी सॉन्ग वहाँ आती है और कहती है कि अगर यूएन ने तुम तीनों को देख लिया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, जिस पर जिंग कहती है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम सिर्फ अपनी बहन को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो सॉन्ग उनसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अभी मास्टर ह्यू के पास लेकर चलती हूँ, जिस पर जिंग कहती है कि हमें ये करने दो, अगर कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल देना। तभी जियाओ की को गुस्सा आता है और वो मिस सॉन्ग पर हाथ उठा देती है और वहाँ से भागने लगती है और उसको मारने के लिए मिस सॉन्ग भी उसके पीछे भागती हैं। वो जियाओ की को पकड़ लेती हैं और उसके बाल खींच के उसे मारने लगती हैं। जियाओबा जब उसे बचाने आती है तो मिस सॉन्ग दोनों बहनों का गला पकड़ लेती हैं। तभी जिंग वहां आती है और अपनी बहनों को बचाने की कोशिश करती है, जिस कोशिश में कि जिंग नीचे की तरफ गिरने लगती हैं और मदद के लिए पुकारने लगती हैं।
लेकिन उनका हाथ छूट जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती हैं और मर जाती हैं। ये देख के तीनों बहनें घबरा जाती हैं। तो जिंग कहती है, हमने कुछ गलत नहीं किया, पहले इन्होंने फाइट शुरू की थी, हमने तो सिर्फ अपना बदला लिया है। तो इस पर ज़ियाओबा कहती है कि लेकिन कल जब सब जानेंगे कि मिस सॉन्ग अचानक गायब कैसे हो गई तो हम क्या कहेंगे। तो जिंग कहती है, इसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लूँगी, मैं कहूँगी कि ये सब मैंने किया है, लेकिन कोई और भी है जो उनको ये सब बातें करते हुए छिप के देख रहा है। और इसी के साथ एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। जानेंगे एपिसोड 4 में कि तीनों बहनों के साथ क्या हुआ और मिस सॉन्ग के बारे में पता लगा या नहीं। तब तक मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।